वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्सवेल स्टडी हब। आज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, जहां पे ऑलरेडी हमने डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के कुछ प्रोडक्ट्स देखे थे, विनेगर और ये सब। मैंने क्या कहा था इस पूरे प्रेजेंटेशन में, अब जो ये पूरे चैप्टर में, ये चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट विल गो एज अ डेयरी प्रोडक्ट एंड ऑल। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज यूज ऑफ माइक्रोब्स इन पॉल्यूशन कंट्रोल। सी वी ऑल हैव मेड अ वेरी गुड, बोलते ना, एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है, गुड सक्सेस इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, बट हाउएवर एट द सेम टाइम उतना ही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी हुआ है। अगर हमने इस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को वक्त रहते या बोलते हैं एट द राइट टाइम एट द राइट एक्सटेंट इफ यू हैव नॉट कंट्रोल्ड, आगे की जनरेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, डिजीज भी होगी और बहुत ज्यादा एक अलग सिचुएशन भी होगी। सी इन दिस जो अभी ये टाइम चालू है, पेंडेमिक जो चालू है, इट इज ऑल बिकॉज समवेयर इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कि हमने कुछ अपने जो सेफ्टी मेजर हैं, जो आई कैन से जो हमें कंट्रोल करना था वो नहीं है। सो आई डोंट नीड टू रिपीट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज नाउ ये जो कोरोना का जो समय अभी चालू है COVID-19, उसमें आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि हमें नेचर के साथ कैसे डील करना है। बट यस, हमारी माइक्रोब्स ने भी बहुत हेल्प की है उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उस नेचर को फिर से हील करने के लिए माइक्रोब्स ने बहुत हेल्प की है। तो आज का डिस्कशन इसी टॉपिक पर है कि माइक्रोब्स के रोल क्या हैं और वो कैसे हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल में करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे आई डोंट हैव पीपीटी विथ यू, बट राइट विल स्टार्ट विद दिस योर टेक्स्ट बुक ओनली। विच डिफरेंट मटीरियल्स आर डिकम्पोज्ड इन बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में आप बहुत सारे, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, क्रॉप वेस्ट हो गया, और आई थिंक से डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो सब कुछ क्या होता है, इट विल बी डिकम्पोज्ड इन अ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट हमेशा कहाँ होगा, रेसिडेंशियल एरिया में होगा कि दूर होगा, दूर होगा। कमिंग टू विच यूजफुल मटेरियल्स आर ऑब्टेन थ्रू इट, विच इज द फ्यूल आउट ऑफ दीज। सी व्हेन दीज जो वेस्ट प्रोडक्ट हम जो देखते हैं बायोगैस प्लांट में, उससे हमें दो चीजें मिल जाती हैं, एक स्लरी मिलती है और दूसरा हमको मिलता है आई कैन से बायोगैस बायोफ्यूल मिलता है। जो वो स्लरी होती है इट विल बी यूटिलाइज एज अ फर्टिलाइजर। नाउ कमिंग टू दी डीकम्पोजिशन अकर्स थ्रू विच ऑर्गेनिज्म, सो दीज आर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कम इन टू द कैटेगरी ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। नाउ लेट्स स्टार्ट माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि फ्यूल प्रोडक्शन में कैसा है, एंड देन वी विल गो टू पॉल्यूशन कंट्रोल। गैशियस फ्यूल, मिथेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द माइक्रोबियल एनारोबिक डीकम्पोजिशन। सी यू आर गोइंग टू यूटिलाइज सम माइक्रोब्स विच आर अंडरगोइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर दूं, जो वेस्ट होता है, अगर मुझे वो वेस्ट का डीकम्पोजिशन कराना है, मुझे पता होना चाहिए कि वो जो बैक्टीरिया या जो माइक्रोब मैं यूज करूंगी उसकी क्या क्वालिटी और वो कैसे इस पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल को डिग्रेड कर सकता है, यही सोचना है। तो वो जो आपने माइक्रोबायोलॉजी का एक एस्पेक्ट सुना था, फॉर एग्जांपल अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या देख रहे थे, इस माइक्रोब के सारे कैरेक्टर्स को पहले देख लेते हैं, फिर उसको कहीं जाके इंडस्ट्रियल में अप्लाई करोगे। Why I am repeating the first chapter, मतलब first point of this chapter, because you all should understand कि पहले इसको समझना पड़ेगा ना, इसको यूज करना है अगर आपको। फॉर एग्जाम्पल घर में कोई नई चीज लाते हो, कोई नया प्रोडक्ट लाते हो, उसका इनग्रीडियंट्स पढ़ते हो, कैसे उसको बनाना है या कैसे उसको यूज करना है वो तो पढ़ते हो गए, गाइड होती है, या एक टीवी भी खरीदा तो एक गाइड होती ना हाउ टू यूज। तो उसी प्रकार से इस ऑर्गेनिज्म को आपको यूज करना है आपके माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो यू शुड नो अबाउट द कैरेक्टर्स, और वो कैरेक्टर्स आप पढ़ते हो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में।
जब आप पढ़ लेते हो उसके बारे में सब कुछ जान लेते हो एट द मॉलिक्यूलर लेवल, और आपको जब समझ में आ जाता है कि यस नाउ आई कैन यूज इट फॉर दिस और वट एवर द एप्लीकेशन जो आपको समझ में आया, देन यू गो फॉर इट्स एप्लीकेशन एंड दैट कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. सो नाउ कम टू आर सो गैसियस जो अर्बन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जब उस पे उसकी रिएक्शन करवा देते हैं एनारोबिक माइक्रोब से, उसके बाद उसका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है. मतलब लार्ज मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना, और उसके बाद डिग्रेडेशन मतलब क्या, उसका टूटते जाना और एट द एंड ऐसा बायो प्रोडक्ट मिलना जो हमें यूजफुल होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर. नाउ कमिंग टू इथेनॉल, ये आपने अपनी नाइन्थ में क्लास में पढ़ा था जब आपने वाइन प्रोडक्शन किया था. वाइन प्रोडक्शन में आपने देखा था कि मोलेसेस को यूज किया, इथेनॉल यूज किया, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट के द्वारा ये रूल भी आया था कि यू हैव टू ऐड इथेनॉल इन योर ये पेट्रोल, और इसमें आपको डालना है बिकॉज इट इज अ स्मोकलेस फ्यूल. मतलब ब्लू फ्लेम आती है, येल्लो फ्लेम नहीं आती. तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी ये एक आदेश दिया गया था कि यू हैव टू ऐड इथेनॉल इन योर पेट्रोल एंड ऑल. नाउ हाइड्रोजन गैस इज कंसीडर्ड टू बी द फ्यूल ऑफ फ्यूचर. हम जैसे जैसे सी वी ऑल आर नॉट, ये जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी के, उसको अगर जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं अगर उस पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे. तो हमें आगे का भी एक हमने सोचा है, बट इट डजंट मीन कि हमें फ्यूचर का हाइड्रोजन मिल गया तो हम लोग इस इन चीजों को जैसे मन कहा वैसे यूज करेंगे. नॉट एट ऑल. यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, बिकॉज वी नो द माइक्रोबियल, बिकॉज वी नो द बायो फर्टिलाइजर. सी फर्टिलाइजर वो होते हैं जो केमिकल्स हैं, जो बायो फर्टिलाइजर है उनका यही प्रोसेस होता है. तो अब ये जो हाइड्रोजन गैस है वो आगे चलकर जब ये सब कुछ, सी मेनी कंट्री हैव स्टार्टेड ऑल्सो यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट आगे चलकर हमको यही यूज करना पड़ेगा, तब तो मस्ट हो जाएगा. इफ यू डोंट, अगर तुमने प्रॉपर सही टाइम पे जो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं उनके बारे में आपने अच्छे से उसका यूज नहीं किया. हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द बायो फोटोलाइसिस. बायो फोटोलाइसिस एंड ऑफ वॉटर इन विच बैक्टीरिया परफॉर्म द फोटो रिडक्शन. फोटो मतलब लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन द फर्स्ट वर्ड दैट इज बायो फोटोलाइसिस. मतलब बायो मतलब एनी बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसमें बच्चों, बायोलॉजिकल सोर्स से आपका माइक्रोब्स. एंड फोटोलाइसिस मतलब किसी चीज को मॉलिक्यूल का टूटना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. नाउ सिमिलर टू फ्यूल्स वेरियस इंडस्ट्री केमिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू द माइक्रोबियल प्रोसेस. I don't need to explain this because आपने already देखा, आपने organic acids देख लिए, आपने substances देख लिए, आपने already industrial applications majority आपने cover कर लिए हैं. तो यहाँ पे various alcohol, acetone, organic acid, fatty acid, polysaccharides that are useful as a raw material in chemical industry. Chemical industry में many things are getting produced जो आगे आपकी पेंट से लेकर टेक्सटाइल एवरीथिंग जो भी केमिकल्स है समवेयर उनके रॉ मटेरियल. सी प्रोडक्शन जो भी कंपनी का जो प्रोडक्शन होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. एक रॉ मटेरियल होगा जिससे आगे की चीज बनेगी, और एक फाइनल प्रोडक्ट होगा जो फॉर एग्जांपल आपकी सब्जी जो आप खरीद कर लाते हो दैट इज द रॉ मटेरियल. जब आपने उसकी कुकिंग की और सब बनाया तो वो बन गया, एक आपकी एक डिश बन गई, तो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट. तो रॉ मटेरियल जो है ये कौन से, तो सिमिलरली रॉ मटेरियल क्या करते हैं, ये कौन प्रोवाइड करता है बच्चों, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन या माइक्रोबियल को यूज टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत सारे रॉ मटेरियल केमिकल इंडस्ट्री के लिए भी बनाए जाते हैं. सम ऑफ दिस यूजफुल एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टिक एंड फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो. फूड प्रोडक्ट्स में अभी कितना एग्जाम्पल दिया हमने, एसेंस का दिया, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का दिया, तो दीज आर द एग्जाम्पल. सो दैट्स व्हाई आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट पुटिंग योर लॉजिक एंड यस
और वो एकदम इलाबरेट अच्छे से लिख में आना चाहिए, बिकॉज दिस चैप्टर इज सो सिंपल एंड यू कैन इजिली स्कोर योर. नाउ कमिंग टू दिस बायोफ्यूल. बायोफ्यूल इज इम्पॉर्टेंट अमंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी. दीज फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड लिक्विड फॉर्म्स. These fuels are easily available in plenty of quantity. That's why they are coming into the category of renewable source. They are reliable source of fuels in the future. Now, अब जो हमने सीखना है that is pollution control. Solid waste है, कितना सारा waste निकल रहा है. इसीलिए हम बोलते हैं ना, एक जो आप एक pen भी use करते हो, उसमें जब आपकी उसके अंदर की refill खत्म हो, जब उसकी इंक खत्म हो जाए, गो फॉर रिफिल खरीदने के लिए. डोंट एक नई पेन लेकर मत आओ, बिकॉज यू ऑल आर जस्ट गोइंग टू मतलब इंक्रीजिंग दी वेस्ट. ये वेस्ट जाता कहाँ है, या अगर आप सोचोगे समझोगे और इससे होने वाले बहुत बेकार जो उसका प्रभाव है वो जब आपको समझ में आ जाएगा जिस दिन, तो आप ये सारे जो वेस्ट जो आप कलेक्ट करते हो करना बंद हो जाएगा. So, ये जो छोटी सी शुरुआत होनी चाहिए. डोंट यूज अननेसेसरी थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू एट ऑल. नाउ लेट्स कम टू द माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल. सॉलिड वेस्ट, सीवेज एंड वेरियस पॉल्यूटेंट्स आर एवर इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन पॉल्यूशन. जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेस्ट आपको मिलते जा रहे हैं. Although with it, ever-increasing disease and degradation of environmental are the worldwide problems. अब आपको क्या लग रहा है, ये जो कचरा, ये जो वेस्ट हम कलेक्ट करते जा रहे हैं, उनका प्रॉपर बोलते हैं ना मेंटेनेंस मैनेजमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि आप हद से ज्यादा मतलब प्रोपोर्शनलिटी बहुत ज्यादा हो गई है कि ज्यादा वेस्ट कलेक्ट हो रहा है. इससे कुछ नहीं, इससे सबसे ज्यादा घाटा हमें ही होने वाला है आगे चल के. हमें बीमारियां होंगी, डिजीज एक स्टेट आएगी. पेंडेमिक इज एग्जाम्पल ऑफ इट, दिस पेंडेमिक. एंड इन्वायरमेंट को कितना घाटा हो रहा है. यू जस्ट इफ यू विल टीवी पे अगर आप देखोगे, देर आर मेनी चैनल्स लाइक डिस्कवरी एंड नेशनल जियो, वहां पे वो ऑलरेडी बताते हैं कि देर इज हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन. हमें जो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, जो डायरेक्टली रिवर और तालाब या समुद्रों में डाला जा रहा है, उससे हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है एनिमल्स की, वो कितनी इफेक्ट हुई है. एंड नाउ यू नो अबाउट द एनिमल क्लासिफिकेशन का चैप्टर. एंड नाउ यू नो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी वी हैव. तो उन सबको जीने के लिए भी एक प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए. एंड वो प्रॉपर एनवायरमेंट धीरे धीरे पॉल्यूशन के कारण डिस्ट्रॉय हो रहा है. नाउ especially cities in densely populated countries like India, densely proper मतलब घनी आबादी वाले, are affected with these problems. Life of future generation will be difficult if these problems are not solved at the right time, at the right extent. Let's see the role of microbes in environment. See, बेचारे microbes, आपने 9th में एक चीज सीखी कि microbes हर जगह present है, they are present everywhere. और यस, दे आर हेल्पिंग अस एवरीवेयर. खाने से लेकर आपकी थाली में भी प्रोडक्ट जो अच्छे मिल रहे हैं वहां पर भी हैं. आपकी इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोबायोटिक्स. फिर आपके डर्ट, एवरीथिंग, आपकी पेंटिंग, टेक्सटाइल, हर चीज में वो है. सो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. यू ऑलरेडी नो दैट माइक्रोब्स आर यूज फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट थ्रू द बायोगैस प्लांट एंड कंपोस्ट प्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजर बनाने में. हाउ अर्बन वेस्ट दैट इज एक्यूमुलेटेड इन फॉर्म्स ऑफ टन्स मे बी डिस्पोज्ड ऑफ. लैंडफिलिंग करते हैं, व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन कम. व्हाई इज इट आस्क्ड टू सेग्रीगेट वेट एंड ड्राई वेस्ट इन ईच होम. सी, ड्राई वेस्ट क्या होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल जहां पे प्लास्टिक होंगे, ग्लास होगा ऐसा कुछ, और वेट क्या होगा मतलब वेजिटेबल के टुकड़े मतलब बचा हुआ पार्ट और ऐसी कुछ चीजें. तो अब अगर वेट और ड्राई को अगर मिक्स कर दोगे तो आगे चल के, जैसे अभी वेट जो वेस्ट होता है उसको हम डायरेक्टली कहां पे कर देते हैं, उसको
बायो ये प्लांट में डाल देते हैं और वहां बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं और वहां पे वो जाके फर्टिलाइजर के रूप में हो जाते हैं। बट ये प्लास्टिक और ग्लास जो कि ड्राई वेस्ट है वो तो नहीं हो पाएगा ना, वो तो उसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे माइक्रोब्स उसको आगे चल के। तो इनको ये ड्राई वेस्ट है इनको क्या करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा, इनको फिर से यूज करना पड़ेगा। तो जो ये ड्राई वेस्ट का सेग्रीगेशन और ड्राई और वेट वेस्ट का जो सेग्रीगेशन करने को बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो क्या करेंगे अगर ड्राई और वेट अलग अलग रहेगा तो सॉलिड ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो थोड़ा उसका प्रोसेस आसान हो जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा कि चलो अब अलग अलग करो उसके बाद इसको अलग भेजो इसके बाद इसको अलग रिसाइकलिंग के लिए रखो, नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा और फटाफट ही प्रोसेस वेस्ट मैनेजमेंट की बढ़ेगी। नाउ व्हाट इज डन विद द सेग्रीगेटेड वेस्ट, जाहिर सी बात है एक वेट वेस्ट है एक ड्राई वेस्ट है। वेट वेस्ट को भेज देंगे फर्टिलाइजर के और वो मैन्यूअर फॉर्मेशन की तरफ बायोगैस प्लांट में, और ड्राई वेस्ट को कलेक्ट करेंगे और उसको फिर से रीयूज रिसाइकल करेंगे। कमिंग टू विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ड्राई वेस्ट विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी इन दिस मॉडर्न लैंडफिल साइड ऑल्सो। एंड यस इंसिनरेशन करके, एक इंसिनरेशन मतलब जलाना, रेसिड्यू बना देना, वो उसका एक अल्टीमेट एक सोल्यूशन है। बट इसके भी कुछ डू एंड डोंट्स हैं विच यू आर गोइंग टू लर्न फर्दर। बट यहाँ पे इंसिनरेशन करके एक मेथड है जो हम डिस्पोजल ऑफ ड्राई वेस्ट में यूज करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एक हाई टेम्परेचर पे उनका रेसिड्यू बना देते हैं। नाउ लेट्स कम टू दी एक लैंडफिलिंग साइट्स। डिग्रेडेबल वेस्ट जो डिग्रेड हो सके उनको क्या करेंगे, शहर से दूर जहां पे रेसिडेंशियल एरिया नहीं लोग नहीं रहते वहां लेके जाएंगे और वहां पे एक पिट को डक करके खोद के जो है उसमें ये सारा वेस्ट डाल देंगे विच आर एक्चुअली डिग्रेडेबल अंदर डालेंगे। और यस सी द सेम थिंग इज रिटन, डिग्रेडेबल वेस्ट बीइंग एक्यूमुलेटेड इन द अर्बन एरियाज इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। लार्ज पिट्स आर डक इन ओपन स्पेस फार अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया एंड दोज पिट्स आर लाइंड विद प्लास्टिक शीट्स। Why they are lined with the plastic sheets? Because in order to prevent the leaching, मतलब soil को घाट जो उसके अगल बगल की जो मिट्टी होगी उसमें अगर मान लीजिए इसमें बहुत pollution है तो अगल बगल की मिट्टी में ये transfer होता जाएगा होगा and then फिर आगे चल के वो पूरी soil खराब हो जाएगी उसमें भी pollution होगा। वो soil pollution को रोकने के लिए वो गड्ढे के चारों तरफ जो है एक लाइनिंग प्लास्टिक बैग की जाएगी ताकि वो लीचिंग को रोका जा सके। सो अलाइन विद द प्लास्टिक शीट्स एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट द पोल्यूशन ऑफ सॉइल ड्यू टू द लीचिंग ऑफ टॉक्सिक एंड हार्मफुल मटेरियल्स। कंप्रेस्ड वेस्ट मतलब इस टर्म इन टू द पिट, मतलब एकदम दबा के भर दिया जाएगा उस पिट को। इट इज कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सॉइल, sawdust मतलब लकड़ी का वो बुरादा जैसा होता है ना वो, एंड लीफी वेस्ट एंड स्पेसिफिक बायोकेमिकल्स, कुछ बायोकेमिकल्स का और बायो रिएक्टर्स आर मिक्स्ड एट द सेम प्लेस, मतलब माइक्रोब्स को भी वहीं पे डाल दिया जाएगा। माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में भी प्रेजेंट होंगे, एंड अदर टॉप लेयर डिकम्पोज द वेस्ट। Completely filled pit is sealed with soil की slurry बना के ऊपर। ये see if you will go with see this diagram, तो यहाँ पे आपको दिखेगा this is the garbage और यहाँ पे देखो ये soil का cover कर दिया। तो एक side से कचरा डाला जाएगा और दूसरी तरफ से processing of sewage होगी। Best quality compost is formed after few days which you all can use in agriculture, खेती बाड़ी में use होता है। Such landfilling sites can be reused after the removal of compost. एक बार compost बन गई उसको फिर से निकाला और उसके बाद उसको फिर से use कर लिया, फिर से वो खाली हो गई, फिर से नया कचरा आएगा, तो मतलब ये recycling होती रहती है। Now observe the Now we have completed this model. Sewage. In village,
डोमेस्टिक जो सीवेज रहता है ना मैच्योरिटी डिस्पोज ऑफ आइलैंड, क्योंकि वहां पे बोलते ना एकदम हाईली पोल्यूशन, वहां पे थोड़ी संभावना कम है एज कम्पेयर टू द सिटीज. सो इन विलेज डोमेस्टिक वेस्ट इज डिस्पोज ऑफ आइदर इन नियर बाय सॉइल और इन अ बायोगैस प्लांट, वो भेज देते हैं अपना कचरा. हाउएवर इन सिटीज सीवेज नीड्स टू बी कैरीड आउट टू प्रोसेसिंग यूनिट एंड एक्टेड अपॉन द माइक्रोबियल प्रोसेस. उनमें जो पॉल्यूशन की मात्रा होगी पॉल्यूटेंट्स की वो ज्यादा होगी, इसीलिए उनको डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं ना नियर बाय सॉइल में या कहीं और फेंकने से पहले उनको पहले उनकी क्या होगी प्रोसेसिंग होगी, उनको पहले ट्रीट किया जाएगा, उनके पॉल्यूटेंट की मात्रा को कम करके ही रिवर में छोड़ा जाएगा, या नहीं तो फिर एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब होगी, फिर पूरी एक फूड चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी. नाउ microbes which can destroy any compound as well as destroy the pathogen of cholera typhoid are mixed with that sewage. अभी ये क्या पढ़ रहे हो पता है आपको, ये प्रोसेसिंग जो यूनिट मैंने आपको बोली ना कि उस सीवेज को जो सिटीज से निकल रहा है उसको एक ये देना पड़ेगा प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब एक ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी बिफोर इट इज डंप इनटू एनी सॉइल और ये रिवर्स सी में जब उसको फेंकने से पहले उसमें उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा अच्छे से. तो वो ट्रीटमेंट में क्या होगा, माइक्रोब्स जो कंपोस्ट विच कैन डिग्रेड एनी काइंड ऑफ वेस्ट एंड एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉय द पैथोजन ऑफ कोलेरा टाइफॉइड आर मिक्स्ड विद दैट सीवेज. दे रिलीज मिथेन एंड CO2 बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन द सीवेज. फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया डिकम्पोज द जिनोबायोटिक, जिनोबायोटिक मतलब आउटसाइड के जो रहते हैं द स्लज दैट सेटल डाउन, जो एक स्लज होगा वो डाउन वो टैंक रहेगा ना उसके नीचे वो सेटल हो जाएंगे एंड दे कैन बी यूटिलाइज एज अ फर्टिलाइजर आगे चलिए. मतलब जो सिटीज से जो कचरा निकला, जो वेस्ट निकला, जो सीवेज निकला है उसको पहले ट्रीट किया जाएगा माइक्रोब से, उसका सीवेज से जो है स्लज निकाल के उसको फर्टिलाइजर की तरफ दे दिया जाएगा एंड फिर आगे उसको भेजा जाएगा बाहर. वाटर रिलीज आफ्टर द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इज एनवायरमेंटली सेफ, यू कैन रिलीज नाउ. फिर उसको नदियों में और समुद्र में उसको छोड़ने की प्रक्रिया तब स्टार्ट होती है. ऐसे भेजोगे तो जाहिर सी बात है वो सब कुछ पैथोजन भी रहेगा, पॉल्यूटेंट रहेंगे उसमें, वो जाकर एक्वाटिक लाइफ को बर्बाद करेंगे. और हम वी ऑल आर कनेक्टेड इन अ फूड चेन, एक भी फूड चेन का एक भी लेवल डिस्टर्ब हुआ वी ऑल आर गोइंग टू सफर. माइक्रोब्स आर यूज फॉर द बायो रेमेडिएशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेड ड्यू टू द सीवेज. बायो रेमेडिएशन लास्ट ईयर आपने फिर से सीखा था, जिसमें हम हैवी मेटल्स को निकालने के लिए, ऑयल को निकालने के लिए समुद्र से यूज कर रहे थे, तो बायो रेमेडिएशन में भी ये यूज होता है. सो दिस इज अबाउट द माइक्रोब्स इन माइक्रोबियल मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल में. नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, क्लीन टेक्नोलॉजी. व्हाट आई सजेस्टेड से कि ये अभी ये माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल का ये बहुत छोटा टॉपिक था, नोट्स बना लो इसकी, और चाहिए तो आज इसी टाइम पर ही ये जब वीडियो देखेंगे उसके आप एक दो दिन में ये आंसर आप पूरी तरह रेडी कर लो, ताकि अगर एग्जाम में आए तो यू डोंट नीड टू अगेन गो एंड ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड रिपीट एवरीथिंग. गो एंड डू, बट जस्ट उसको कंप्लीट करो. नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद दी क्लीन टेक्नोलॉजी एंड देन वी विल कंप्लीट आवर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.